अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेन मसाला। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए ब्रेन मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद मैंने बकरे का मगज़ लिया है। सबसे पहले इसको बॉईल करेंगे। एक कप पानी ऐड करेंगे पैन के अंदर। क्वार्टर टी स्पून नमक ऐड करेंगे। क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे। अच्छे से बॉईल हो चुका, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेते हैं। क्वार्टर कप तेल ऐड करेंगे। लार्ज साइज़ का एक प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे प्याज को। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। मीडियम साइज़ का एक टमाटर है, बारीक काट लिया था। 2 से 3 अदद हरी मिर्चियाँ बारीक काट लिया, वो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिए और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब बॉइल्ड किया हुआ मगज़ ऐड करेंगे। अच्छे से पकाएंगे और साथ साथ मगज़ को कट करते जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। अच्छे से बनाई करेंगे इसकी, साथ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम दम लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर, ताकि ब्रेन मसाला हमारा रेडी हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ब्रेन मसाला यानी मगज़ फ्राई तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर, उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।